हेलो फ्रेंड्स मैं सब डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ईएनटी एंड डाइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही कॉमन समस्या टोन्सिल की समस्या पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे अनेक आने वाले आप उपयोगी वीडियोज़ हेल्थ से रिलेटेड ई से रिलेटेड का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे दोस्तों टॉन्सिल एक ऐसी समस्या है जिससे कहीं ना कहीं आप किसी उम्र के किसी पार्ट में या कोई घर में या फैमिली में जो है पीड़ित होता है उसकी समस्या से पीड़ित होता है इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है टॉन्सिल सबसे पहले तो हमें ये जानना है दोस्तों टॉन्सिल क्या है दोस्तों जो टॉन्सिल है वो हमारे जो गले हैं जगह हम आपने आपने टोर्स से देखा होगा तो दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारे को जो है बॉडी को जो है चार साल तक जो बच्चे को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए गोड ने बनाया है एंड आफ्टर द फोर ईयर जो टॉन्सिल्स हैं वो यूजली स्रेंक हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं हमें पता नहीं होता दोस्तों कुछ लोग जिनके ये टॉन्सिल जो है वो श्रिंक नहीं होते एट्रोफिक नहीं होते और बड़े के बड़े रहते हैं तो उन लोगों को 30-40 परसेंट लोगों को वो क्या है धीरे धीरे बाद में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम करता है दोस्तों स्पेशली अगर कोई स्मोकर है या बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह चीज़ खाने से क्या है इन इन जो टोंसिल के बीच में क्रैप्स होता है स्पेस होता है जिसमें वहाँ पे फूड मटेरियल अटक जाता है और वहाँ पे क्या है वो इन्फेक्शन बार बार जो है वो पेशेंट्स को बार बार होता है उसके कारण जो है शोर थ्रोट रहता है गला खराब रहता है बहुत बार फीवर भी आ जाता है और बहुत बार क्या होता है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो उसमें क्या है पस फॉर्मेशन भी हो जाता है बहुत बार आपने देखा होगा जब हम टॉन्सिल टॉन्सिलाइटिस होती है टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल के ऊपर एक वाइट 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 चीज़ी मटेरियल पूरा टॉन्सिल में जमा हो जाता है एंड पेशेंट को जो है वो फीवर आता है मैलिस होता है बॉडी एक होता है और ऐसा बार बार जिसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं दोस्तों टॉन्सिलाइटिस का जो है वो ज़्यादा जो होना है वो जो यूजुअली पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं जिनके नाक से जो है नेजल सीक्रेशंस आता रहता है उनको ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर किसी आदमी को जैसे पेशेंट को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है और हमने उसको जो है कंजर्वेटिव मैनेज किया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मीन्स उनको मेडिकेशन दिया मेडिकेशन देने के बाद में अगर वो पेशेंट ठीक हो जाता है और उसको वापस बार बार नहीं होता जब तो हमें कुछ नहीं करना होता बट दोस्तों अगर ये हर दो तीन महीने में पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही हैं बार बार उनको जो है प्रॉब्लम हो रही है माउथ ब्रीदिंग हो रही है यानी रात को जो है वो ये नाक के पीछे के हिस्से में जो है वो हमारे जो है सांस के रास्ते को भी ब्लॉक कर लेते हैं स्नोरिंग की समस्या है और जो है उसके अंदर गले के अंदर बैड स्मेल भी अगर आपको आ रहा है तो दोस्तों उसका जो ट्रीटमेंट है वो है टॉन्सिलेक्टोमी टॉन्सिलटोमी जो है वो लेजर से जो है वो दोनों टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है एंड दोस्तों ये जो प्रोसीजर है ये 100 परसेंट सेफ़ है यानी दैट मीन्स कि बाहर से इसमें कहीं कोई चीर फाड़ टाका पट्टी दर्द निशान नहीं होता एंडोस्कोपिक जो है अंदर के अंदर दोनों टॉन्सिल्स को हटा दिया जाता है एंड पोस्ट ऑपरेटिव आपको जो है कुछ दो चार दिन तक हल्का जो है वो ए, कम मसाले का जो है वो ठंडी चीज़ें और जो है लिक्विड हमें लेना होता है उसके बाद अपना रूटीन रोज़मर्रा का काम आप कर सकते हो सो टसिल्टोमी जो है वो उसका जो है हंड्रेड परसेंट जो है इसका ट्रीटमेंट है दोस्तों बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि ये टॉन्सिल्स जो है सर्जरी करने के बाद में वापस हो जाते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है टॉन्सिल्स वापस नहीं होते दूसरा बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि क्या दोनों टॉन्सिल एक ही साथ निकालने होते हैं दोस्तों टोन्सिलटोमी यूजुअली जो है टोन्सिल हाइपाट्रॉफी के कारण जो होता है उसको दोनों टॉन्सिल्स को एक साथ निकाला जाता है बहुत बार कुछ लोगों में जो है एक तरफ जैसे एडल्ट में जो है एक तरफ जगह टॉन्सिल बड़ा हुआ है दूसरी तरफ का टॉन्सिल नॉर्मल है एक टॉन्सिल के अंदर कोई गांठ बन गई दोस्तों वो जो बायोप्सी होता है जिसमें जो डिजीज जो टॉन्सिल है उसको निकाला जाता है बायोप्सी पर्पज से वो यूनिलैट्रल यानी एक तरफ टॉन्सिलेक्टोमी होती है अदरवाइज जो एक टॉन्सिलेक्टोमी है वो दोनों साइड में ही एक साथ की जाती है सो so, दोस्तों ये है टॉन्सिलेक्टोमी का ट्रीटमेंट टॉन्सिलेक्टोमी के सिम्टम्स आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ रियली यूजफुल फॉर यू यू कैन शेयर This information to your family, friends, and colleagues just to create more awareness about the tonsil problems. Thank you.